आज हमारे पास है आईटेल विजन 2S, जिसका मॉडल नंबर है P651L। इसका जो FRP लॉक लग चुका है, इसमें एंड्रॉयड 11 वर्जन है। तो अभी इसको हम बाईपास करके बताएंगे आपको, गूगल अकाउंट लॉक हो चुका है। तो इसका जो FRP प्रोसेस है वो पूरा आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले किसी भी वाईफाई को इससे कनेक्ट कर लेना है, आपको एक वाईफाई कनेक्ट कर लेना है इस मोबाइल में। इसके बाद में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा इसको बाईपास करने की। इसमें थोड़ा सा अलग एप्लीकेशन का जो सिस्टम है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें गूगल अकाउंट लगा हुआ है, आपको कन्फर्म करके एक बार बता देता हूँ इसका गूगल अकाउंट। अभी इसमें स्किप ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी आपका गूगल आईडी लॉक हो चुका है, यानी FRP लॉक हो चुका है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, आपको एक कोई भी सिम कार्ड इसमें लगा देना है फ़ोन में। ये देख सकते हैं आपके मॉडल विजन 2S, इसमें आपको कोई भी एक्टिवेट सिम कार्ड लगा देना है। हमने इस फ़ोन में एक सिम कार्ड लगा दिया है। इसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे लिखा हुआ आएगा इमरजेंसी कॉल, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। और सबसे ऊपर जाना है इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर क्लिक कर देना है। और ऊपर एक पेंसिल का निशान है, वहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर क्लिक किया। फिर आपको यहाँ नेम पर क्लिक कर देना है और ये इस आइकन पर क्लिक कर देना है। नीचे आएगा चेंज एन चूज एन इमेज, यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, ऊपर 3 लाइन्स पर क्लिक कर देना है। और नीचे आएगा ड्राइव, यहाँ पर आपको टैप करके रखना है, यानी प्रेस करके रखना है, तो ये आपका गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगा। नीचे जाना है आपको परमिशन पर क्लिक कर देना है, परमिशन पर क्लिक करना है। ऊपर वापस सर्च बार पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर ये सर्च है, यहाँ पर ओके कर देना है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है। सबसे पहले सेटिंग्स लिखना है आपको और सर्च पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार सर्च करोगे तो नीचे सेटिंग का एप्लीकेशन आ जाएगा। एक बार और वापस लिखते हैं सेटिंग्स, नीचे आएगा आपको सेटिंग ऐप इन्फो, यहाँ पर ओके कर देना है और नीचे जाना है। अभी ओपन पर क्लिक कर देना है और सबसे नीचे लिखा है वो आएगा अबाउट, सिस्टम लिखा हुआ आएगा, सिस्टम पर क्लिक कर देना है। और इसमें देख सकते हो अभी अबाउट फ़ोन, इसमें आपको मॉडल नंबर और जो इसका एंड्रॉयड वर्जन है 11, ये लिखा हुआ है एंड्रॉयड 11। अभी हमने इसका जो एंड्रॉयड वर्जन चेक कर लिया है। अभी इसको बाईपास करने का जो एक प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा इस वीडियो में। सबसे पहले बैक की प्रेस करना है, जहाँ आपने सर्च बार पर क्लिक किया था पीछे जाना है, जहाँ आपने सर्च किया था वहाँ पर आपको लिखना है क्रोम ब्राउज़र, क्रोम लिख देना है तो आपका नीचे क्रोम ब्राउज़र आ जाएगा। यहाँ पर आपको ओके कर देना है और ओपन पर क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर लिखा होगा क्रोम ब्राउज़र लिखना है, एक बार वापस ओके करते हैं, क्रोम ओके कर देना है और यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देना है। हमारा क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद में ऊपर एक आपको वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन सर्च करना है, एक्स शेयर ऐप, ये आपको डाउनलोड कर देना है। एप्लीकेशन कोई भी वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, हमने इस वेबसाइट से डाउनलोड करना है। आप ये एप्लीकेशन किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, एक्स शेयर ऐप, यानी ये ट्रांसफ़र करने का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करने का। इसको हमने यहाँ पर डाउनलोड कर दिया, डाउनलोड पर क्लिक करना है, ये एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड हो जाएगा। ये नीचे देखिए आप स्क्रीन पर, ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अभी इसको इंस्टॉल कर देना है, इसको इंस्टॉल पर क्लिक करता है, ये एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। सेटिंग पर क्लिक कर देना है, इसको अलाउ कर देना है, बैक की प्रेस करना है और इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमें वापस बैक की जाना है और जहाँ आपने सर्च बार पर क्लिक किया था वहाँ पर सेटिंग वापस आपको सर्च कर देना है। पीछे जाना है बैक में, अभी यहाँ पर सेटिंग लिखा हुआ आएगा, एक बार और पीछे जाना है, यहाँ पर सर्च में लिखना है आपको सेटिंग्स, ओके कर देना है। नीचे जाना है ऐप इन्फो, यहाँ पर क्लिक कर देना है और ओपन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जाना है ऐप्स और ऑल ऐप्स पर क्लिक कर देना है और जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था एक्स शेयर एप्लीकेशन, ये नीचे वाला, यहाँ पर ओके कर देना है और इस एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। आपको जो परमिशन अनेबल करनी है वो आपको अनेबल कर देनी है, जो परमिशन मांग रहा है उसको अनेबल कर देना है, अलाउ कर देना है। अभी आपको क्या करना है, एक दूसरा मोबाइल लेना है, एक दूसरा एंड्रॉयड मोबाइल लेना है, कोई भी आपके पास हो, उसमें आपको
प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाना है और एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देनी है जो एक्स शेयर ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर देनी है दूसरे मोबाइल में भी। दूसरे मोबाइल में हमने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिए हैं, ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, यानी दोनों मोबाइल में ये सेम एप्लीकेशन होनी चाहिए। अभी आईटेल में जो आपको ये FRP लग चुका है उसमें ये एप्लीकेशन होनी चाहिए, और एक अदर कोई भी कंपनी का फ़ोन ले सकते हैं उसमें आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देनी है प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से हमने इसको इंस्टॉल कर दिया है, स्क्रीन पर देख सकते हो इंस्टॉल हो चुकी है। अभी हमें क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र में जाना है। यहाँ पर आपको लिखना है VN ROM Bypass। इस वेबसाइट पर आपको जाना है, सबसे ऊपर इस वेबसाइट पर सर्च करना है और आपको दो एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड कर देनी है। एक तो आएगा FRP Bypass, ये इस एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है और इसको डाउनलोड कर देनी है। और एक आएगा दूसरा Google Account Manager 8, 9 और 10, ये वाला वर्जन आपको डाउनलोड कर देना है। ये दोनों एप्लीकेशन आपको खाली डाउनलोड कर देनी है, इंस्टॉल नहीं करनी है। ये एप्लीकेशन आपको ओनली डाउनलोड कर देनी है इस दूसरे मोबाइल में। ये देखिए दोनों डाउनलोड हो चुकी है, ये दोनों एप्लीकेशन आपको ओनली डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल नहीं करनी है। और दूसरे मोबाइल में ये दोनों डाउनलोड हो चुकी है, स्क्रीन पर देख सकते हो। अभी हमें क्या करना है, जो दूसरा मोबाइल है उसमें जो अपने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड किया था X-Share ऐप का, उसको ओपन कर देना है। अभी देख सकते हो दोनों मोबाइल में ये एप्लीकेशन आपको ओपन कर देना है X-Share ऐप का। ये यहाँ से इसको रिसीव कर देना है, जो FRP लॉक लग चुका है उसमें परमिशन आपको अलाउ कर देनी है, जो आपको परमिशन अलाउ अनेबल करनी है वो कर देनी है, पुराने फ़ोन में भी और नए जो दूसरा फ़ोन है उसमें भी आपको X-Share एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ओपन करना है। स्क्रीन पर देख सकते हो अगर कुछ परमिशन मांगे तो उसको अलाउ कर देना है, सेंड पर क्लिक कर देना है, परमिशन अलाउ करते जाना है जो जो आपको अनेबल का बोले। अभी आपको ये दोनों जो एप्लीकेशन डाउनलोड किए थे दूसरे मोबाइल में, यहाँ इन दोनों एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर देना है और सेंड पर क्लिक कर देना है। यहाँ कुछ परमिशन और अलाउ करना है वो कर देती हैं आपको, इन जो भी आपको परमिशन मांगे मोबाइल में वो आपको अलाउ करते जाना है। इसको ओके कर दिया, वाईफाई को भी। अभी इस जो QR कोड है इसको स्कैन करना है एक बार, इसको हाई स्पीड जो डाटा है नीचे उसको ऑफ करना है, हाई स्पीड मोड को, और फिर स्कैन कर देना है। अभी ये जो एप्लीकेशन जो दूसरे फ़ोन में आपने डाउनलोड की थी वो इस जो आपके पास आईटेल है Vision 2S इसमें सेंड हो जाएगी, दोनों फाइल सेंड हो जाएगी और डायरेक्ट इंस्टॉल भी हो जाएगी दोनों फाइल। ये देखिए डायरेक्ट इंस्टॉल हो रही है और सेंड भी हो गई दोनों। अभी इस नए वाले फ़ोन को साइड में आपको रख लेना है। अभी इस आईटेल वाले फ़ोन में अभी आपको क्या करना है, जो बैक की है वापस बैक की से प्रेस कर देना है और आपको जाना है सेटिंग में जाना है। ये सेटिंग का जो एप्लीकेशन है वहाँ पर जाना है, आपको ऊपर लिखा हुआ होगा FRP Bypass, इस एप्लीकेशन में जाना है और ओपन पर क्लिक कर देना है और ऊपर 3 डॉट पर क्लिक कर देना है, ब्राउज़र साइन इन और ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कोई भी एक Gmail ID, आपको जो आपके हिसाब से आप Gmail ID लगा सकते हो और उसका पासवर्ड, और इसको यहाँ से इसको लॉगिन कर देना है। ये नई ID कोई भी हो सकती है आपके हिसाब से, कोई भी Gmail ID और उसका पासवर्ड, और इसको यहाँ से लॉगिन कर देना है। ये यहाँ से इसको लॉगिन कर दिया है। अभी आपको क्या करना है, जो FRP Bypass है और जो Google Account Manager दोनों एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है वापस। ये FRP Bypass है, इस एप्लीकेशन को भी अनइंस्टॉल कर देना है, और जो हमने Google Account Manager 8, 9, 10 ये जो डाउनलोड किए थे दोनों को अनइंस्टॉल कर देना है। ये दोनों अनइंस्टॉल हो चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर देना है। अभी देखते हैं अकाउंट में, जो हमारा अकाउंट है उसमें ये Gmail ID लग चुका है, Gmail ID। अभी रीस्टार्ट पर क्लिक कर देना है, फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर देना है। हमने फ़ोन को रीस्टार्ट कर दिया है, रीस्टार्ट होने के बाद में देखते हैं इसको वापस नेक्स्ट करना है, स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अभी हमें स्किप पर क्लिक कर देना है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपका ये लोड होने में। अभी इसमें देखते हैं जो हमने Gmail ID लगाई थी वो इसमें ऐड हो चुकी है, स्क्रीन पर देख सकते हो। अभी आपको स्किप करते जाना है, ये हमारी Gmail ID ऐड हो चुकी है जो नई वाली है। अभी हम इसको नेक्स्ट करते हैं,
नेक्स्ट करते जाना है आपको, जहाँ जो ऑप्शन आपको स्किप का मांगे या नेक्स्ट का मांगे जो अपने हिसाब से ओके करते जाना है। इस प्रकार से मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है इस वीडियो में, आपको नेक्स्ट करना है, फिर वापस स्किप पर क्लिक कर देना है, आपको स्किप करते जाना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इस मोबाइल का जो FRP लॉक है वो रिमूव हो जाएगा, गूगल ID रिमूव हो जाएगा। फ्रेंड्स ये ट्रिक कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।